के पांडे जी, ये भी कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी आ जाएंगे गोवा और पंजाब के दौरे के बाद, तो फिर वो जोश दिखेगा, जिस ऊर्जा की बात गोविंद पंजी कह रहे थे, क्या वो राहुल और अखिलेश जब एक साथ होंगे मंच पर तभी वो कॉन्फिडेंस दिखेगा? लेकिन आपने दाव अखिलेश यादव पे चला, कोई बात तो नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अखिलेश यादव आज जिन परिस्थितियों में वहां रैली कर रहे थे उनमें वो ऊर्जा नहीं दिखी होगी, थकान रही होगी, इधर चुनाव में टिकट बांटना, सारी चीजें, सारी टेंशन से उबर के अभी गए हैं, तो अब वो अलग चीज है। लेकिन राहुल गांधी जी के आने से ऊर्जा उनमें भर जाए, उनसे तो ये तो गठबंधन ही हमारा हुआ है कि दोनों लोगों में एक दूसरे से ऊर्जा मिले और पूरे प्रदेश की जनता का हित हम कर सके। तो और दोनों लोगों की जब गठबंधन है तो रैलियां तो एक साथ हो ही रही हैं, दोनों लोगों की 14 रैलियों पर पार्टी में हो रहा है, दोनों सहमत हुए हैं, 14 जगह रैली ये लोग करेंगे पूरे प्रदेश में जी। और जगहों पर यह सही है कि ऊर्जा का न होना कहीं कहीं मुझे दिखता है कि अगर उस मंच पर मुलायम सिंह जी यादव होते जी। तो शायद वो ऊर्जावान और अधिक दिखते। लेकिन आपने तो दाव अखिलेश यादव पे खेला, आपके सहारे की मुलायम सिंह यादव पर तो आपने दाव नहीं खेला, शुरू से आप उनके साथ खड़े रहे जब पार्टी में पूरी तरह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, उस वक्त तो आप खड़े थे अखिलेश यादव के पारिवारिक साथ। हम इनके पारिवारिक झगड़े में कहीं से भी नहीं थे, और इनका वह पारिवारिक मामला था, उसमें हमारा ना कोई हस्तक्षेप था और ना हस्तक्षेप किसी का होना भी नहीं चाहिए। यह उनके पिता पुत्र और परिवार का मामला था, उनकी पार्टी का मामला था, और बार बार अखिलेश यादव जी द्वारा कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की अगर चुनाव में हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो 300 प्लस में हम आएंगे। और इसके बाद जब दोनों तरफ से बातें बढ़ी, अलायंस हुआ, हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव इसके बाद आते हैं, पार्टी पहले आती है, व्यक्ति बाद में आता है।